दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन है, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो सबसे छोटी संख्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी देखिए दोस्तों कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या अगर बात करें तो एक होती है ना। अगर दो अंकों की बात करें, दो अंकों की बात करें तो वो होती है दस होती है ना, बड़ी संख्या 99 होती है। अगर तीन अंकों की बात करें तो होती दोस्तों 100 होती है। अगर चार अंकों की बात करें तो वो होती दोस्तों 1000 है ना। अगर दोस्तों पांच अंकों की बात करें तो होती दोस्तों 1,00,000, कैदा ही सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1,00,000। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं। अब संख्या तो अपनों को मिल गई लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या तो अपनों को मिल गई लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग क्या होगी वो देखना पड़ेगा, वो अपनों को देखना पड़ेगा, वो अपनों को देखना पड़ेगा। देखो इकाई दाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1,00,000, ठीक है। अब दोस्तों इसके अपनों को गुणनखंड करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, वर्ग संख्या तो वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालें दोस्तों, दो दो को जोड़े बनाएंगे, इन दोनों को एक जोड़ा, इन दोनों को एक जोड़ा, इन दोनों को एक जोड़ा, तीन से लगाया, तीन तिया 9, एक बच्चा 0, 3 × 3 6। अब दोस्तों अगर ये दो रखें तो 62 होगा और 6 दुनी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक रखेंगे, 61 × 61, 1 × 1 2, और ये 6 आ गया, इसका दुगना होता जाएगा, घटाया 9 में 10 में से 1 गया तो 9 बचे, तो 9 में से 6 गया तो 3 बचे, ऊपर से एक जोड़ा और उतार लिया, ये जोड़ा तो उतर गया था, अब ये जोड़ा बचा तो ये उतर गया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो संख्या मान लीजिए कि 100 है, 100 है जैसे संख्या है, ये 100 से बता दूँ, अगर इसमें 5 अगर जोड़ देंगे अपन तो कितना होगा, 105 होगा, कितना होगा, 105 होगा, तो 3 अंक ही रहेंगे। लेकिन यदि अगर 5 घटा देंगे तो 2 अंक बन जाएगा, ये 100 है, अगर 5 अगर कम कर देंगे तो ये रहेगा 95, 2 अंक है और ये 3 अंक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे अपने को संख्या जोड़ना पड़ेगा, संख्या इसमें जोड़ना पड़ेगा, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, इसी ध्यान रखें, ठीक है, जोड़ेंगे। अब जोड़ने की बात तो ये क्लियर हो गया आपकी कि संख्या यहाँ पे जोड़ना पड़ेगी, इसमें तो जोड़ना पड़ेगी, तो इससे ज़्यादा संख्या लेंगे तभी तो जुड़ेगी। तो देखो देखते हैं, 6 × 6 = 36, 6 से लेते हैं, देखें 6 × 6 = 36 का 6 हासिल, 3 × 6 = 12 × 15, 5 हासिल आया, 6 से तो कम पड़ रही, 7 6 से, देखो 6 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो ये 62 है, 6 का मल्टीप्लाई करके देख लें, 36 का 6 हासिल आया, 3 × 6 = 12 × 15, 5 हासिल आया, 1 × 6 = 36 = 37, तो ये 3756, ये 3900 है, तो ये से ज़्यादा है, तो 6 कम पड़ा, 7 लेंगे अपन, तो 62 × 7 रखेंगे, तो 7 × 7 = 49 हंसला, 4 × 7 = 14, 14 × 4 = 18 हंसला, 1 × 7 = 42 = 43। तो अपन यह लेंगे दोस्तों 4389, और 7 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर कम लेंगे, मैं बता दूँ तुमको, अगर कम लेंगे, कम लेंगे इस संख्या से, कम लेंगे यहाँ, अगर संख्या कम ली, ये जैसे कम लिया मैंने 5, तो घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे, जब घटाया जाएगा तो निश्चित संख्या
कम अंकों के होंगे, अपनों चाहिए पाँच अंकों की चाहिए, अपनों कितने अंकों की चाहिए पाँच अंकों की चाहिए, तो संख्या पाँच अंकों में नहीं होगी। पाँच अंकों में करने के लिए उसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के लिए इससे अधिक निकलना पड़ेगा, अधिक निकलने के लिए अब देखते हैं दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होगा। देखो सात हज़ार चौदह चार सिला एक दो ने तीन ने छः, देखो अब नौ ये नौ के नौ ही आ गए, आठ आठ के आठ ही आ गए, और तेरह तेरह में से नौ गए तो चार। दोस्तों यहाँ पे ये चार आठ नौ ये संख्या उसमें प्लस करनी पड़ेगी, चार आठ नौ उसमें प्लस करनी पड़ेगी तो संख्या पूर्ण घन पूर्ण वर्ग होगी। इसलिए दोस्तों ये संख्या प्लस करेंगे तो ये तो अपना ये इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख है ना, इसमें चार आठ नौ प्लस करेंगे तो नौ आठ चार जीरो जीरो एक, ये संख्या पाँच अंकों की है, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख एक दो तीन चार पाँच छः अंकों की होगी। छः अंकों की होगी, छः अंकों की छः अंकों की होगी, क्वेश्चन था अपना पांच अंकों का। तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसकी जगह छः अंक कर लो, छः अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब दोस्तों ये छः अंकों की अपना निकाल लीजिए, कितने अंकों निकाली छः अंकों ही निकाल लिया, तो इसी तरह से अपन पांच अंकों की बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पांच क्वेश्चन पांच अंकों का था, पांच अंकों की भी अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि जब आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो यहाँ पे चार ये पाँच अंकों ये छः अंकों की बन गई, देखो छः अंकों की बन गई, लेकिन पाँच अंकों की अगर संख्या होगी तो वो क्या होगी दोस्तों, देखो अपनी यहाँ मिस्टेक हो गई, पाँच अंकों की संख्या क्या होगी दोस्तों, देखो एक एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, ये दस हज़ार होगी, पाँच अंकों की संख्या कितनी होगी दस हज़ार होगी। तो जब आप ये छः अंकों सीख गए तो पाँच अंकों बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। पाँच अंकों की संख्या अब अपन निकाल लेते हैं, अभी देखो चार ये पाँच, एक दो तीन चार पाँच, दस हज़ार। तो इसको करके हर कर देख लेते हैं, देखो ये एक दो तीन चार ने पाँच, पाँच अंक हो गए ठीक है। अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं, देखो इधर दो अंक है, इधर दो अंक है, इधर एक ही है ठीक है। ये ध्यान रखें इधर से जोड़ा बनाए अपन, इकाई की तरफ से जोड़ा बनाए, तो ये जोड़ा ये जोड़ा एक, तो एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा, एक से एक घटाया तो जीरो, एक ने एक दो ऊपर से उतारे दो जीरो उतारे, दोस्तों पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या ऑलरेडी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसमें दो जीरो यहाँ बन रहे हैं, ये सौ इंटू सौ हो जाता है, ऑलरेडी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। थैंक यू दोस्तों।